सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को टेक वीडियोस हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज में हमने अब तक आपको बताया कि आप किस तरह से एड मॉब से एड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट को किस तरह से अपने एड्स के साथ में किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप किस तरह से एक स्टैटिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, और आप कैसे अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि आप कैसे अपने एप्लीकेशन को बिना प्ले स्टोर के या फिर प्ले स्टोर से कैसे तो आप प्रमोट कर सकते हैं। तो लेकिन जो अर्निंग के लिए एप्लीकेशन होता है उसमें आप लोग जो है यूजर्स को देते हैं कुछ पेमेंट पेटीएम के थ्रू, तो ऐसे में आपको पेटीएम पे नंबर कैसे मिलेगा यूजर का डाटा कैसे मिलेगा, यूजर वहाँ पे अपना नंबर डालेगा और आपको वो नंबर कैसे मिलेगा, आप कहाँ पे उसको देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आपके एप्लीकेशन के यूजर का पेटीएम नंबर या फिर कोई भी डेटा ले सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं आप फायरबेस के डेटाबेस में। तो आप इसका इंटीग्रेशन अपने एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में और हम यहाँ पे खोलेंगे beta.thinkable.com वाली वेबसाइट, और दूसरे टैब में हम यहाँ पे खोल लेंगे फायरबेस जो गूगल का प्रोडक्ट है उसको सर्च कर लेंगे, और सबसे ऊपर जो हमें आएगा उसको हम जो है ओपन कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, फायरबेस जब खुल जाएगा आपकी वेबसाइट गूगल वाली, गेट स्टार्टेड पे आपको जाना है। अब गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो आप वहाँ पे गूगल की आईडी से लॉगिन होंगे, जो भी आईडी से आप अपने ब्राउजर में लॉगिन होंगे। उसके बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट करना है, ऐड प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पेटीएम पेमेंट करके कुछ डाल देता हूँ नाम यहाँ पे, और नीचे आपको चेंज करना है यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। तो उसके बाद में आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट एक बन जाएगा। जब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, दूसरी तरफ आप एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, ये आप हो सकता है अलग करें, जरूरी नहीं कि आपको सेम टाइम पे करना है। यहाँ पर आप जाएंगे थिंकेबल में, आपको न्यू प्रोजेक्ट करना है और आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे और उसमें आप काम करेंगे। आप जानते हैं कैसे स्क्रीन बनानी है, कैसे बटन लगाना है, तो वो आप जानते हैं। मैं आपको पहले ही स्क्रीन पे पहले जाने की पेज पे एप्लीकेशन में यही चीज़ डाल के आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले फिर मैं आपको दूसरी तरह बता देता हूँ कि आप फायरबेस में क्या करना है। फायरबेस में आप जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है ऊपर दिखेगा आपको, आप उसमें जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा डेटाबेस में आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है। जब आप गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रियल टाइम डेटाबेस, तो आप उस पर गेट स्टार्टेड करेंगे। दूसरी तरफ जो आपको दिखेगा वो होगा आपको पेबल होगा, इसलिए आप गेट स्टार्टेड कर रहे हैं रियल टाइम वाले में। जब आप यहाँ पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे पहली बार में कुछ दिखेगा नहीं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे, इस लिंक को आप आसानी से कॉपी कर लेंगे और आप फिर एप्लीकेशन में जाएंगे। ये चीज़ें आप पहले बना कर रख सकते हैं, मैंने तुरंत बनाई है वो अलग बात है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन जो नेम है वो स्क्रीन बना है, इसलिए मैं पेमेंट वाला पेज बनाने के लिए मैं पेमेंट का नाम डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जो कि आप पहले करते आए हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में जिनके आपने देखे हैं अब तक, उन सब में जो भी होता आया है। और आप जब ये कर लेंगे तो बैकग्राउंड का भी कलर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बो देना है स्पेस ऊपर से, उसके बाद में आप यहाँ पे स्पेस आ जाएगा ताकि वो सबसे ऊपर ना दिखे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपको देना है उसको आप पतला करते हैं ताकि उसी के अंदर टेक्स्ट जो है आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 80% की ब्रेथ कर देता हूँ और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 10%। तो इसके अंदर जो है हम लिखेंगे अपना पेटीएम नंबर। तो अब यहाँ पर आप ले देंगे एक और वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको आप थोड़ा पतला कर देंगे, मैं इसको कर देता हूँ 3% ताकि ये पतला हो जाए। इसके बाद मैं एक बटन लेता हूँ यहाँ पे, जो आप जानते हैं कैसे लेनी है क्योंकि आप पिछले वीडियोस में आपको सब बताया गया है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं। तो बटन को अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं बजाय बटन का, और बटन में जो टेक्स्ट लिखा है उस बटन बन को उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ और इसकी हाइट भी हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से चेंज कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे और सही सा लगे दिखने में। अब यहाँ पे इसका जो शेप है वो राउंडेड कर देते हैं ताकि अच्छा कॉर्नर इसके दिखें, और इसमें जो लिखा है बटन बन उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे क्योंकि अच्छा दिखेगा और बड़ा दिखेगा। और इसका कलर भी हम वाइट कर देंगे ताकि ब्लू में वाइट जो है वो अच्छा दिखेगा मैजेंटा कलर के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप कर देंगे अपने हिसाब से, और इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा, मैं इसको यहाँ 22 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो देखते हैं और बड़ा के ये मैं वाइट कर देता हूँ इसको जो है, और टेक्स्ट जो है बोल्ड कर देता हूँ अक्षरों को। तो मेरी ये बटन यहाँ बन गई है, मैंने इसको 22 कर दिया तो बड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे लेना है टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि टेक्स्ट कोई भी इंसान लिखेगा। ऊपर के और बीच वाले वर्टिकल अरेंजमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, और टेक्स्ट बॉक्स को मैं करूँगा बड़ा, तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके फिल पेरेंट कर देता हूँ ताकि पूरे जो हमने अरेंजमेंट लिया है उसके अंदर पूरा फिल हो जाए और अच्छे से देखने लग जाए।
अब हम टेक्स्ट बॉक्स के बेस सॉरी बैकग्राउंड कलर को रखेंगे वाइट ताकि वो अच्छी तरह से दिख जाए, और उसमें जो टैग नया नया हिंट दिखेगा कि क्या डालना है तो यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर पेटीएम नंबर, ताकि कोई भी जो व्यूअर होगा आपका वो डालेगा अपना पेटीएम नंबर तो पता चल जाए हमें डालना क्या बॉक्स के अंदर, तो रिक्वेस्ट कर देगा पेटीएम के लिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है एक्सपेरिमेंट में, और एक्सपेरिमेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर फायरवेज डीवी का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जैसे आपने पहले ऐड लगाए थे उसी तरह से सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो फायरवेज डीवी को खींचकर यहाँ पर ले आएंगे और आप ये फायरवेज डीवी यहाँ आ जाएगा। जब फायरवेज डीवी यहाँ पर आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में कि फायरवेज यूआरएल, यहाँ पर आपको वही यूआरएल पेस्ट करना है जो कि हमने फायरवेज वाली वेबसाइट से कॉपी किया। तो पेस्ट करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और सिंपल इसको छोड़ देना। आप एक नोटिफायर भी डाल सकते हैं यहाँ पे जाके, सेंसर्स में नहीं जाना आपको इसके लिए, यूज़र इंटरफेस में जाना है और नोटिफायर डाल सकते हैं ताकि जब क्लिक हो जाए तो आपको बता दें कि आप 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगा या फिर एक घंटे के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगी। आपको इतना सब करना है। इसके बाद आप ब्लॉक्स में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे बटन पर क्लिक करेंगे, तो जब बटन क्लिक होगी तो क्या होगा, तो तब सबसे पहले वो टेक्स्ट को भेजेगा फायरबेस के लिए, तो हम फायरबेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे हम फायरबेस, देखते हैं अभी गेट वैल्यू वाला नहीं स्टोर वैल्यू वाला देखेंगे, कॉल स्टोर वैल्यू यहाँ पे इसको हम डाल देंगे इसके बीच में, और इसके साथ साथ हम नोटिफायर के लिए भी ले लेंगे। तो नोटिफायर के लिए हम कहाँ है नोटिस वाला देंगे, स्टेटस कहाँ गया, अलर्ट वाला, सो अलर्ट वाला डाल देंगे नीचे, नोटिस क्या अलर्ट दिखाई है बटन क्लिक हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद आप टैक्स में क्या डालना है, टैक्स में आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है और नीचे जाके आपको देखना है टेक्स्ट बॉक्स टैक्स, जब भी आपको बटन के लिए होगी तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो जो है सेंड कर दिया जाएगा। स्टोर वैल्यू जो है वैल्यू टू स्टोर किस नाम से वहाँ जाना चाहिए आपको पता क्यों चलेगा कि किस पर्पज से भेजा गया है, जो टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है वो किस पर्पज से भेजा गया है तो वो आपको वहाँ दिखेगा। तो इसलिए पेटीएम पेमेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्यों भेजा गया है जो भी टेक्स्ट में जो वैल्यू है, तो आपकी वो वैल्यू हो जाएगी सीयर जिस नाम से सीयर हो रही है। अब नीचे आपको आ रहा है सो अलर्ट में नोटिस, तो आपके जब क्लिक बटन होगी तो अब क्या नोटिस दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे नोटिफायर में एक लेंगे वहाँ से टेक्स्ट से लेंगे खाली वो, और यहाँ पे जो भी लिखना चाहिए आप लिख देंगे कि आप कितनी देर में पे आपको हम कर देंगे, जो भी आप लिख देंगे यू विल बी पेड विद इन 1 आवर्स 2 आवर्स जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप डालने के बाद में आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया। आप डिज़ाइनर में जाएंगे और एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट आपको कर लेना है, आप क्यूआर कोड से स्कैन करके एप्लीकेशन ले लेंगे। अब आपको यहाँ पे फायरबेस में एक काम और करना है, मैं बताना पहले आपको भूल गया, तो रूल्स में आपको यहाँ पर जाना है, ऊपर डेटा में नहीं जाना, रूल्स में ऑथ और नल लिख रहा है इसको क्लिक करके जो दोनों सेमी कॉलन है उनके बीच में आपको ट्रू लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर आपको TRUE लिख देना है ताकि ये आपका ये एप्लीकेशन सही से फंक्शन करे तभी वर्क करेगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं ऊपर बीच में पब्लिश का बटन, वो आपको क्लिक करना है दोनों में आपको ट्रू लिखने के बाद में, तो आप ये ट्रू दोनों में लिख दीजिए और उसके बाद जो पब्लिश आपको दिख रहा है बीच में टॉप में आपको वो बटन पे क्लिक करना है, मैंने क्लिक पहले से कर रखा था। तो अब आपका यहाँ पे आ गया, अब आपका एप्लीकेशन भी एक्सपोर्ट हो गया है, तो अभी मोबाइल में एप्लीकेशन हम खोल लेते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन खोल के यहाँ पे आ गया, हम कोई भी यहाँ पे पेटीएम में नंबर डालेंगे और रिक्वेस्ट पेटीएम करेंगे तो हमारा यहाँ पे बोलेगा, हमें नोटिफायर बोलेगा कि हम पेड हो जाएंगे एक घंटे के अंदर और हमारी जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे भिज गई है। तो अब यहाँ पे मैंने दो नंबरों का करता हूँ, एक और नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो दो नंबरों की रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे भेज दी है और अब जाके देखते हैं हमें फायरवेस में रिक्वेस्ट मिली कि नहीं मिली। तो आपका यूजर जो आपको रिक्वेस्ट देगा पहले आप रूल्स में चले जाएँ, फिर डाटा में आपको क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा डेटा। तो डेटा में क्लिक किया तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट का मुझे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस वाले पे एक्सपेंड करूँगा मतलब कि इसको, तो मुझे यहाँ पे दो पेटीएम रिक्वेस्ट दिख जा रही है जो मैंने अभी अभी आपको भेजी है। तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से अपने यूजर से पेटीएम का डाटा लेंगे, कि आप कैसे उनको पेमेंट करेंगे एक अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। आप ये चीज़ समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आप इस तरह से एप्लीकेशन बना के उसमें ये चीज़ डाल सकते हैं और अच्छे से अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से डेटाबेस में ले सकते हैं यूजर का डेटा और उन्हें दे सकते हैं आपकी अर्निंग ऐप को यूज करने के लिए कुछ पेमेंट पेटीएम के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।